गाइज़, मैंने कहीं पढ़ा था कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। मालूम नहीं था कि आज वो चीज़ पॉसिबल हो जाएगा और वो चीज़ फिर हुआ। एजुकेशन मिनिस्टर जो आज आने वाले थे 4 PM, वो कैंसिल हो गया। सो हाई गाइज एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज, कुछ दिनों पहले मैंने एक बात कहा था आपसे कि किसी ने क्या खूब कहा है कि तेरी बातों पे एतबार तो बहुत था, लेकिन ना तू आया और ना ही तेरी बातें आईं। फिर से वही हुआ गाइज। स्टूडेंट्स जो ईगरली वेट कर रहे थे कि शायद आज 4 PM कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाएगा एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर रमेश पोखरियाल की तरफ से, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि सुबह सुबह अचानक से 10-11 बजते तक में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे ये एक ट्वीट आया जो आप अभी देख रहे हैं, जिसमें कि कहा गया कि अब वो लाइव नहीं आ रहे हैं, अब वो लाइव आएंगे 22 December को 4 PM। और रीज़न दिया गया है कि रिस्पांस जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस आ रहा है सभी की तरफ से, पूरे भारत की तरफ से, तो वो और सुनना चाहते हैं सुझावों को, बातों को, और उसके बाद में कोई फैसला पे आना चाहते हैं। तो गाइज़, ये हालांकि बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा। बच्चों का रिस्पांस अच्छा नहीं है इस बात को लेकर के, बच्चे नाखुश हैं, पेरेंट्स नाखुश हैं, क्योंकि कुछ क्लियर कट पिक्चर नहीं आ रहा है। और हमारा भी ये मानना है गाइज कि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होने को है तो बिल्कुल पोस्टपोन हो जाना चाहिए और अभी ही उसका डिक्लेरेशन होना चाहिए, चाहे वो जितना दिन का पोस्टपोनमेंट हो, ताकि बच्चों में एक क्लैरिटी हो, बच्चों को पढ़ने में एक समझ में आए, क्योंकि इस तरह से कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन का माहौल है। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस की जहाँ तक बात की जाती है कि वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हैं, तो मेरे ख्याल से शायद जो इस बात को सपोर्ट करते हैं उनको ग्राउंड लेवल पे उतर करके, ज़मीनी सतह पे उतर करके इस बात को खुद चेक करना चाहिए कि क्या ऑनलाइन क्लासेस उतने एफिशिएंट हैं जितना कि हम उसे बता रहे हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए गाइस कि हम जिन ऑनलाइन सेशंस की बात कर रहे हैं, ये वो जो काफ़ी बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि बायजूस, अनअकैडमी, ये कुछ इस तरह से नहीं है। ठीक है, ये जो ऑनलाइन सेशंस हैं ये नॉर्मल स्कूल्स के टीचर्स ले रहे हैं। ठीक है, और ये वो टीचर्स ले रहे हैं जो पहले बात तो इन क्लासेस को लेने के लिए कभी ट्रेंड थे ही नहीं थे, और उन्होंने अपने तरफ से, हालांकि टीचर्स ने काफ़ी मेहनत करने की कोशिश की और देने की कोशिश की, लेकिन इस बात से हम इग्नोर नहीं कर सकते कि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को सही से हम एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा सिलेबस अभी भी पेंडिंग है। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स को लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन है। तो गाइज, अभी का मसला ये है कि जो एग्ज़ाम पोस्टपोनमेंट जो था वो रुक गया है। ठीक है, तो होप फॉर द बेस्ट कि कुछ चीज़ें निकल करके आएंगी। लेकिन बच्चों, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि किसी भी हालत में आप लोग उदास नहीं होना। ठीक है, पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ो, मेहनत करो, पढ़ते रहो, हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। अब तो हमारा नया चैनल फॉर स्टडीज़ भी इस रेस में बहुत आगे बढ़ चुका है। हम उसमें भी आपके लिए लाइव सेशंस लाएंगे। आपको पता है कि हम हर शाम 7 PM लाइव होते हैं आपके लिए, आपके कन्फ्यूजन्स को दूर करते हैं, आपके मुद्दों को उठाते हैं, पॉइंट्स को उठाते हैं, और हर चीज़ों में आपको सपोर्ट करते हैं। तो गाइज़, बने रहना है आपको ऐसे ही हमारे साथ में, मेरे साथ में। ठीक है, अभी इस वीडियो में बस इतना। दिस इज़ योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज़ स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।